हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 9 सितंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sseglpinnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SAS जल्पनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि लिज ट्रस किस देश की अगली प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। करेक्ट आंसर था UK। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर था 8 सितंबर। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस राज्य के मशहूर गायक भूपेन हजारिका की 96वीं जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। करेक्ट आंसर है असम। डिटेल्स देख लो तो गूगल ने असमिया पार्श्व गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका को उनकी 96वीं जयंती पर एक डूडल के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। 8 सितंबर 1926 को असम के तिनसुकिया जिले में पैदा हुई हजारिका ना केवल एक असाधारण गायिका थी बल्कि एक कवि, संगीतकार, अभिनेता, पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता भी थी। उन्हें अपनी श्रद्धांजलि में ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने संगीत और संस्कृति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। उन्हें मरणोपरांत 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीले आसमान लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 7 सितंबर। डिटेल्स देख लो तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। 2022 के लिए थीम है द एयर वी शेयर। यह वायु प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रीय सीमाओं से परे सहयोगी जिम्मेदारी और कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। नेक्स्ट देखो, यूके के नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है सुएला ब्रेवरमैन। डिटेल्स देख लो तो भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को यूके के नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारतीय मूल की सहयोगी प्रीति पटेल की जगह लेंगी। अब तक उन्होंने बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया। इसके अलावा घनियान मूल के क्वासी क्वाटेंग ब्रिटेन के पहले अश्वेत चांसलर बने और जेम्स क्लेवरली विदेश सचिव ट्रस के अपने पूर्व पोर्टफोलियो बने। नेक्स्ट देखो, USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है गौतम अडानी। डिटेल्स देख लो तो अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी को भारत अमेरिका साझेदारी को बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित चल रहे इंडिया आइडिया समिट के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है। करेक्ट आंसर है राजस्थान। डिटेल्स देख लो तो राजस्थान सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की तर्ज पर शहर के निवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। यह शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में 9 सितंबर से शुरू की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। यह योजना मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया एक प्रसिद्ध डैश थे।
करेक्ट आंसर है भोजपुरी लोक नृतक। डिटेल्स देख लो तो भारतीय भोजपुरी लोक नृतक और रंगमंच कलाकार रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया। वह भोजपुरी लोक नाट्य कला लौंडा नाच के महान कलाकार थे। वे महान लोक कलाकार और भोजपुरी कवि भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की मंडली के सबसे पुराने सदस्य थे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखो, किस देश की एक मेटावर्स कंपनी ने पहले रोबोट सीईओ को नियुक्त करने का फैसला किया है? करेक्ट आंसर है चीन। डिटेल्स देख लो तो चीन की एक मेटावर्स कंपनी ने पहले रोबोट सीईओ को नियुक्त करने का फैसला किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित वर्चुअल ह्यूमनॉइड रोबोट सुशी 10U को नियुक्त किया गया है। गेमिंग फर्म के पेरेंट नेट ड्रैगन वेबसॉफ्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने पिछले महीने के अंत में नियुक्ति की घोषणा की। नया रोबोट सीईओ कंपनी की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कार्यों की गुणवत्ता के साथ साथ निष्पादन गति में सुधार करने में मदद करेगा। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय ने फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग 2022 के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर है महालिंगम गोविंद राज। डिटेल्स देख लो तो एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महालिंगम गोविंद राज ने फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन 2022 के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार बायो फोर्टिफाइड बाजरा विकसित करने के उनके प्रयासों के लिए है। बायो फोर्टिफाइड बाजरा आयरन और जिंक से भरपूर होता है। डॉक्टर गोविंद राज हार्वेस्ट प्लस में फसल विकास के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर हैं। 2014 में उन्होंने धन शक्ति जारी की जो दुनिया का पहला बायो फोर्टिफाइड पर्ल बाजरा है। नेक्स्ट देखो, सरकार ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर EMC को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है पुणे। डिटेल्स देख लो तो सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से 2000 करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। यह क्लस्टर 297 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए, शिक्षक पर्व 2022 कब मनाया जाएगा? करेक्ट आंसर है 5 सितंबर से 30 सितंबर। डिटेल्स देख लो तो शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन किया। शिक्षक पर्व 2022 5 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। शिक्षकों को सम्मानित करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। शिक्षा पर्व 2022 नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय CBSE AICTE और कौशल विकास और उद्यमियता मंत्रालय द्वारा आयोजित उद्घाटन सम्मेलन के साथ शुरू हुआ। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की तो असम की भूपेन हजारिका के 96th बर्थ एनिवर्सरी पर गूगल ने डूडल समर्पित किया। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज 7 सितंबर को मनाया जाता है। UK की न्यू होम सेक्रेटरी बनी है सुएला ब्रेवरमैन। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2022 से गौतम अडानी को सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम राजस्थान में शुरू की गई है। भोजपुरी फोक डांसर रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। चाइना ने फर्स्ट रोबोट CEO को अपॉइंट करने का डिसाइड किया है। महालिंगम गोविंद राज ने नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड जीता। सरकार ने पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी और शिक्षक पर्व 2022 5 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज़ फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य के 10-12 गांव में स्थापित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई खोली है? दोनों क्वेश्चन हमारे प्रीवियस सेशन से हैं, इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।